हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं घर पे हूँ बिना बीवी के, यानी बिना किरण के। और किरण गई अपने घर और मैं, अनिका अम्मा यहाँ पे हैं, वो अपने मम्मी और सबके साथ है। तो चलिए देखते हैं वो क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आई हूँ तो मम्मी मेरा फेवरेट कैसे ना बनाए वो भी ब्रेकफास्ट से चालू कर रही है। तो ये बन रहे हैं ककड़ी के, आप बोल सकते हैं चीला। मम्मी मराठी क्या बोलते हो? थाली पेट नहीं, एक्चुअली हम लोग विदर्भ साइड के, तो वहाँ पर इसको बोलते हैं काकड़ी चे धापोड़े। धापोड़े धापोड़े तो ये जो पपीता है घर का है। तो यहाँ पर ये जो मम्मी बना रही है उसमें क्या क्या पड़ा है मैं क्विकली बता दूँ। ये देखिए मम्मी, चावल से आटा है ना, आ रही हूँ। ककड़ी, घिसी हुई धनिया और मिर्च, और इसमें स्वादानुसार नमक जाएगा और फिर मम्मी बनाएगी तो मैं दिखाऊंगी। और मम्मी देखिए सुबह सुबह यहाँ पर रोटी बना रही है। फेस्टिव सीजन के लिए पांच ऐसी लिपस्टिक शेड्स मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले पर्पल की ये जो प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रेयॉन है, हाइड एंड सीक टाइम 9, ये शेड बहुत ही प्यारा सा एक रेड शेड है। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा डार्कर रेड है, और अगर आपको डार्कर शेड लगाने में अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ये शेड आपके लिए है। मैट फिनिश के साथ आता है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है ये वाला शेड। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है पर्पल का ये बीच ईटिंग कंपेनियन 3 शेड, जो कि बहुत ही प्यारा सा एक ब्राउन शेड है। ये एक ऐसा शेड है जिन्हें रेड शेड या पिंक शेड लगाना अच्छा नहीं लगता, या कभी कभी मन होता है ना कि यार कुछ डिफरेंट हल्के कोई कलर लगाया जाए, तो ये वो शेड है। और ये अगेन मैं आपको बता दूँ, पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा एक मैट फिनिश देने वाला लुक है, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इंटेंस आई मेकअप लुक करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, उन सारे लुक्स के साथ ये वाली लिपस्टिक ना परफेक्टली पेयर हो जाती है। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा कॉस्टली सा लिप शेड है जो कि है क्लिनिक का 24 एम्बैरेस मी। ये एक सेमी मैट फिनिश वाला लिप शेड है। इसका जो ये आप शेड देख सकते हैं ना, थोड़ा सा डीपर वाइन शेड है, ये बहुत ज़्यादा वाइन भी नहीं है। और ये जो शेड है ना, जो 35+ औरतें पसंद करती है ना, वैसा शेड है, टॉफी शेड है। और इसका जो एक ग्लॉसी सा आप देख सकते हैं ना लुक आता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होती है, पर फेस्टिव लुक के लिए बिलीव मी बहुत ही अच्छा शेड है। उसी के बाद ये है स्टेक वर्की की 32 शेड नंबर, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा अर्दी शेड है जो कि ग्लॉस के साथ आता है। इस अर्दी शेड के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये शेड बहुत ज़्यादा ऐसा ब्राइट रेड में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउन शेड में भी नहीं है, ये इन बिटवीन है। इसका ये जो टेक्सचर क्रीमी होने की वजह से हल्का सा ट्रांसफ़र होता है, पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और सबसे लास्ट में मेरे पास है मैक रूबी, वो जो कि मेरी करंट फेवरेट नहीं, कई सालों से फेवरेट बनी हुई है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता बस मैं इस लिप शेड को लगा लेती हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा हॉट रेड शेड है जो इंडियन स्किन टोन पर बहुत अच्छा लगता है। ये मैट फिनिश देता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसका टेक्सचर हल्का सा आपको ड्राई फील होगा, बट ये दिखता बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड रिच है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट नाउ अगर आप मुझे पूछे कि लिप्स पर मेरे कौन सा लिप शेड है, तो वो है मैक का रूबी वो। तो जितने भी मैंने लिप शेड्स आपको अभी बताए हैं उनकी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और एक चीज़, मैंने डिस्काउंट कूपन कोड भी मेंशन कर दिया है। purple.com पर हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलती रहती है, तो आपको ये लिप शेड्स बिल्कुल भी MRP पे नहीं तो बजट में मिल जाएंगी। सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक ज़रूर करिएगा। और पापा मेरे ऑफिस भी चले गए हैं,
और सब्जी में आज बहुत ही बढ़िया मेरी ही फेवरेट सब्जी बनी है। अभी यहाँ पर जो भी बन रहा है वो मेरा ही फेवरेट बन रहा है मम्मी, ऐसा मुझे ही लग रहा है। ये देखो ये है क्या रहे दोड़का, दोड़का तरोई, तरोई को मराठी में दोड़के बोलते हैं। तो दोड़का यानी तरोई में जो मूंगफली होती है उसे लहसुन के साथ पीस कर, मतलब वो एक प्रॉपर मसाला होता है, आई विल शो यू, अभी यहीं पर हूँ तो दिखाऊंगी कि कैसे बनाया मम्मी ने, उसे वो डालकर स्टफ, ये देखिए कुछ ऐसा बनाया है। मम्मी गर्मा गर्म रोटी बना रही है और स्टफ भर ले। अच्छा मेरे ही हिंदी का मराठी ट्रांसलेशन पिया दे दिया करेगी। और क्या पी रहे हो? ग्रीन टी। और वो भी किसके कप में? तुम माय ब्रदर के कप में पी रहे हो। तो आज आ गया है मेरे पास बहुत सारा काम, मैंने सोचा किरण घर पे नहीं है तो घर को थोड़ा सफाई कर दी जाए, और मैंने हमारे बेडरूम में बहुत किरण ने भर दिया था, मतलब उसके बाद एक्चुअली इतना मेकअप वगैरह पे सब सामान होती है कि सब भर दिया था, तो उनको सबको ठीक कर रहा हूँ। आओ आपको बाहर के थोड़े से हरे हरे दर्शन करवा दिए जाए। तो ये है हमारे बाहर का एरिया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। मैंने पहले अपने व्लॉग्स में ये सारी चीज़ें दिखा दी हूँ, आज मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, बट ये सारी जो पेड़ है यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं ये मेरे पापा ने मेंटेन किए, उन्होंने लगाए हैं, और हमारे घर में सब लोग पेड़ के बड़े शौकीन हैं, पौधों के बड़े शौकीन हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सो काफ़ी सारी वीडियो मैं यहाँ से शूट करने वाली हूँ आप सभी के लिए। चलिए चलते हैं। देखिए सब्जियाँ साफ़ हो गई हैं, सब्जी भी आई है आज बहुत सारा घर का, देखिए कैसे सब कुछ कचरा फैल गया है, पूरा सब कुछ निकाल दिया गया है, तो बेडरूम से सब कुछ ये सब सामान इतनी सारी किरण की सब कुछ निकाल दिया गया है। और ये देखिए क्या हालत है, अभी बेड वोड सब सरक गया है, अभी इधर भी पूरा खाली कर दिया है, अब ये सब साफ किया जाएगा और इसको अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा। कुछ मैंने टेबल्स भी ऑर्डर की हैं और बहुत स्टोरेज भी ऑर्डर किया है, तो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो इस रूम को एकदम मैं अच्छा बनाने वाला हूँ, तो किरण आए उससे पहले घर को एकदम चकाचक करना है। तो आज बारी है बेडरूम की, तो मैंने सोचा 2 घंटे बेडरूम में दिया जाए और बेडरूम को अच्छा बनाया जाए। और सुबह सुबह मैंने आज क्या किया, मैंने क्या किया सुबह सुबह, सुबह सुबह मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो पब्लिश किया, वीडियो पब्लिश कर दिया, उसके बाद ये सब सारे काम सब्जी काम। और किरण क्या कर रही है चलो देखते हैं। और ये मिस्टर विशाल ग्रीन टी पीते हुए, वे तो सुबह सुबह इतना चमक रहा है, क्या लगा रहे? चमक रहा पसीना। अच्छा पसीना लगाता है, मोदी जी भी पसीना लगाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मालूम है तेरे को कैसे पसीना कैसे लगा? पसीना आता है उससे मालिश करते हो खुद की? कल करके दिखाना, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो चल गया इंटरनेट? नहीं चला, बुलाना पड़ेगा उसको। मैं अभी कैसे भेजेगी? जल्दी से करके दे, इसका नंबर देना, कॉल करता हूँ। तो काम यहाँ से करने में बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे। मम्मी के घर से कभी मैंने काम नहीं किया तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, पर ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल डाउन होने में। और मम्मी ने जो थाली पीट बनाए थे, थाली पीट ही आता है मेरे मुंह में, क्या है ये? धापोड़ा। मतलब मैं यहाँ की प्योर मुंबई वाली हूँ एक्चुअली, मेरा बचपन यहीं पर गया है। तो मेरे मुँह से निकलता है थाली पीट। तो और पता है एक बार मैंने डाला भी था कि थाली पीट बना रही हूँ, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला भी था थाली पीट ऐसा नहीं बनता है, फिर मैंने बोला सॉरी ये धापोड़ा है। तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, दोनों नहा धो चुके हैं, मैं अकेले बाकी हूँ और मम्मी बाकी है मेरे साथ, मेरी मम्मी मेरे को कंपनी दे रही है। हम दोनों सब्जी लेने जाने वाले हैं, हाँ जब मम्मी जाऊँ ना क्योंकि
मेरी मम्मी की फ्रेंड है सब्जी वाली आंटी। तो ये देखिए गर्मा गर्म, मम्मी तुझा ओके क्रंची क्रंची अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। दोनों तो खाते ही रहते होंगे। अच्छा रोज क्या है? परवल बना लेला। मेरे को तो लगा मेरे आने की खुशी में बना इतना बड़ा मेरा परवल परवल मतलब परसों ही कलर चेंज होता ना आई परवल लाल होते थे ना तो लाल कलर वाला टिकट लगता था। अच्छा आज हिरवा है आज चिमट वही पिया पूछ रही है मम्मी को नहीं नहीं छान छान आज छान वाटते आणि हिरवा मिरची आहे त्याच्यात चांगली मिर्च कापली ना देखो पिया ने तीन मिर्ची निकाल कर दिया मैंने तीन काट दिया पर अब मेरे को तीखा लग रहा है। खाचा खाचा शरीर पानी जाते थे चने शरीर में मिर्ची खाने से पानी जाता है ये मेरे मम्मी का फॉर्मूला। अच्छा लॉजिक लॉजिक नहीं है खरा है गाँव इतने लोग बहुत तिकट खाते थे पानी कम दुखते रहे पानी ज्यादा पीना पड़ता है ना सर। मैं दिखा रही थी मेरी मम्मी क्या बोल रही है मेरी मम्मी की कमर दुख रही है तो अभी मैं मसाज करके दूंगी मम्मी को टेंशन मत लो आप बोलो उससे पहले मैं कर दूंगी। तो ये अरे बेटा मैं इसको स्वी इधर टर्न करना भूल गई तो ये देखिए मिसनी का और हेलो करो बेबी अम्मा क्या बोल रही है बेटा हेलो अम्मा क्या बोल रही है अम्मा बोल रही है कि दवाई दे दो शुगर का जलन का पापा समझा समझा कर थक गए रात को भी मांग रही थी। अच्छा दीदी तो लगे हो ना 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 पोट भरला माजा मम्मी पोट भर खा रहे भाई तो वो देखो विशाल हमारा तैयार हो रहा है और पिया पता नहीं क्या कर रही है हेलमेट फूंक कर दे रही है क्या कर रही है। ओके बाय गाइस अच्छा बाय गाइस ये देखो मेरे पापा ने कितने प्यारे यहाँ पर पौधे पानी में लगाए आज नो कार ओके बाय शॉक्स है ना ओके बाय। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही मस्त सी चीज़ जो मुंबई में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। मेरी मम्मी इस समय डोरी बांध देती है सोसाइटी के बीच में और उसके बाद सारे कपड़े सुखा देती है। टिपिकल इंडियन मॉम है मेरी मम्मी। तो क्या बोलते हैं कि ये देखो मस्त। एक्चुअली हमारी सोसाइटी भी बहुत कूल है सब लोग अपना जैसे इस्तेमाल करना है सोसाइटी का करता है कोई यहाँ पर ऐसे वो नहीं करता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा है मम्मी। मुंबई सारख्या शहरामध्ये एवढी चांगली तुला घर आणि त्याच्या घराच्या समोर एवढी जागा कैसा लगता है आपको कपड़े सुखाने में? मेरे को तो मजा ही लगता। मेरी मम्मी को कुछ नहीं चाहिए चाहिए रस्सी धूप बस फिर मम्मी खुश सुखाना मस्त मजा करना फिर क्या घर के कपड़े कैसे बारिश में या घर में ही सुखाओ तो स्मेल गंदा आता है कपड़ों का। उसके बाद जब बारिश होती है तो मम्मी भाग भाग कर कपड़े निकालती भी है फुल एक्सरसाइज मम्मी की एंड मुझे इसलिए मम्मी वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं करती है। मम्मी बोलती मेरी एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है जब बारिश होता है तो मैं सबसे पहले भाग कर जाती हूँ एंड मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। मतलब यार मुंबई जैसे शहर में पीछे भी बगीचा आगे इतनी जगह जहाँ पर कपड़े सुखाओ एंजॉय करो कपड़े हो गया कुछ तो रह गया था पेपर गल गया है इसमें अभी। ये क्या इम्पोर्टेंट पेपर तो नहीं था प्रियंका? कुछ इम्पोर्टेंट था क्या इसमें जो गल चुका है? ये टिश्यू पेपर तो नहीं कुछ तो था। तो मम्मी के घर से अभी मैंने एक वीडियो कंप्लीट किया है और ये वीडियो तो आपने खैर कल के व्लॉग में देख ही लिया होगा।
तो मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, और पिया अपना ऑफिस का काम कर रही है, पापा कॉलेज चले गए हैं, विशाल ऑफिस चला गया है, तो अब घर में कोई है नहीं। मुझे इतना फ्री लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई काम ही नहीं है। मम्मी कुछ काम करने नहीं दे रही है। मम्मी ने बोला एटलीस्ट थोड़ा दिन, एक दो दिन कुछ काम मत करो, रिलैक्स करो और टेंशन मत लो, और मैं कुछ करने जाती हूँ तो करने नहीं देती है। तो मैं अपना इधर से उधर इंजॉय कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, और अभी भी मेरे पास बहुत समय है काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। सो थोड़ा सा मतलब वो मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और बीच बीच में अनिका का तो फ़ोन आ ही रहा है, वीडियो कॉल कर ही रही है वो, जैसे एक क्लास हो जाता तो करती है, और मुझे घर की पूरी अपडेट देती है कि मम्मी पापा ने ऐसे किया, मम्मी पापा ने ऐसे किया, मतलब वो पूरी खबरी बनकर बैठी हुई है। और मैं उसे पूछ भी नहीं रही हूँ कि बेटा क्या हो रहा है, बट वो टाइम टू टाइम मुझे फ़ोन करके बता रही है। और मुझे ये पता चला है कि घर पर बहुत हलचल मचा दी है, राज ने घर का लुक चेंज करने के पीछे पड़ गए हैं राज, ऐसा कुछ मुझे अनिका ने बताया। और फिर जैसे ही राज को पता चला कि नहीं मम्मी को अनिका कुछ बता रही है, तो तुरंत राज ने बोला नहीं मम्मी के लिए सरप्राइज़ है। मतलब मैं आए हुए मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए और घर पर इतनी बड़ी हलचल, और मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये सब चल रहा है मतलब। ओके सो चलिए नहा लेती हूँ। सब्जी का प्लान बनाया तो था खैर, पर आज मम्मी बोल रही है कि आज तुम रिलैक्स करो, आते ही यहाँ पर भी सब्जी लेने जाना है, ये लेने करना है। मम्मी बोल रही है रिलैक्स करो, तुम्हारा वीडियो का काम करो और रिलैक्स करो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो मम्मी ने तो मना कर दिया है। जाती हूँ नहा धोकर आती हूँ। इतना देर बस पापा के पेड़ पौधे सब देख रही थी, मुझे बड़े पसंद आते हैं पेड़ पौधे, और पापा ने कई सारे लगा रखे हैं। चांगली वाटन रही मम्मी बोली मुझे मत दिखाओ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, पर बच्चों को अपनी माँ खराब दिखती है क्या? जैसे माँ को अपने बच्चे खराब नहीं दिखते, वैसे माँ बच्चों को भी अपनी माँ खराब नहीं दिखती है। तो बस ये देखो अपना पसारा हर जगह है, संसार ये मेरा संसार है मम्मी के हिसाब से। तो अभी मैं शूट करने जा रही थी एक वीडियो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पर वीडियो शूट करेंगे हम लोग। अच्छा ये मेरे कपड़े शूट के मैंने निकाल के रखे, तो बस मैंने बोला कि व्लॉग कर दूँ। और मम्मी ने मुझे एक टास्क दिया था जिसे मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, मम्मी भूल गई है, वरना अभी तक 3-4 बातें सुना भी देती है मेरे को। कर देती हूँ पहले, मम्मी ने बोला मतलब तो रंगोली काटा वही पहले निकाल देती हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता रंगोली निकालने में। और जब मैं घर पर होती हूँ ना, तो मम्मी को पता नहीं क्यों मेरे हाथ की रंगोली चाहिए होती है। To see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors. Ever free. सफाई हो गई और आज खाने में है पास्ता,
क्योंकि सफाई में बहुत टाइम लग गया, तो खाने में पास्ता ही मिला। वैसे भी पास्ता सबका पसंदीदा है, तो चलो मैं पास्ता इंजॉय करता हूँ, उसके बाद शाम को दिखाता हूँ मैं कितनी सफाई किया हूँ। तब तक आप लोग किरण को देखो। तो वीडियो शूट में मुझे पिया हेल्प कर रही है बैकग्राउंड में, जो ब्लर हो चुकी है। लाइट दिख रहा है? लाइट उधर लगा रहे हो तो ये सही लगा। क्योंकि ये वाला ही दिख रहा है, वो वाला नहीं दिख रहा है। सो ये जो लाइट लगा रही है, ये पिया लगा रही है फॉर मी। तो सबकी भाभी ऐसी हो जो वीडियो शूट में हेल्प करे। जो यूट्यूबर हो उनकी तो ऐसी ही हो भाई। वाओ, और आज मेरे बहुत सारे आउटफिट वीडियो शूट में भी पिया ने मुझे बहुत हेल्प की है। बस नाइस, वेरी नाइस। क्या दिख रहा है देखो ना, कितना प्यारा दिख रहा है उसमें। सो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने घर की सफाई कर दी थी, अभी एक्सरसाइज किया, इसलिए एक्सरसाइज का कपड़ा पहना। थोड़ा सा मेरे चेहरे पर पसीना भी दिख रहा होगा एक्सरसाइज के कारण, तो एक्सरसाइज हो गई। और ये देखिए घर का एकदम साफ़ सुथरा कर दिया मैंने, कुछ फालतू की चीज़ें जो थी हटा दिया है, पूरा ऊपर से सब कुछ साफ़ हो गया है। और इधर कुछ चीज़ें किरण ने फालतू की लगा रखी थी जो मैंने हटा दी है। देखिए अभी क्या है, ये बॉक्स भी हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। एक्चुअली यहाँ के लिए मैंने कैबिनेट ऑर्डर किया है पूरा, जो कि इस एरिया को पूरा कवर करेगा। तो वहाँ पे कैबिनेट आएगा और ये सारे सामान जो है उसके अंदर चली जाएगी, फिर ये रूम बहुत अच्छा दिखेगा। कुछ चीज़ें मैंने इसलिए ऑर्डर कर दी, हमको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। बाकी बहुत पता नहीं चलता, घर में गंदगी बहुत हो जाती है जो छुपी रहती है इधर उधर, बेड के पीछे छुपी हुई थी, अलमीरा के पीछे छुपी हुई थी, ये सब हटा के जो साफ किया गया बहुत धूल निकलती है, जो कि रोज़ की सफाई में दिखता नहीं है। तो चलिए देखते हैं किरण क्या कर रही है अभी। ओके, तो पिया आज कुछ बना रही है। बताओ पिया क्या बना रहे हो? सेविया की खीर। सेवई, सेवई, सेमी, हाँ जो भी है, हाँ उसकी खीर। तो आज सब लोगों को मतलब वो सारी चीज़ें खिलानी है जो इतने दिन से नहीं खिला पा रहे थे। मम्मी बना रही है, ये देखिए पपीता के पकोड़े की कुछ, तो मैं बताऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें बन रही है, डिनर दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ 10,000 वॉक करने, 10,000 स्टेप। और मेरे साथ आज मेरे साथ कंपनी है। यस, विशाल आ गया है अभी अभी, उसने थोड़े दिन में कंपनी। यस, मैडम भी हमें 2-3 दिनों बाद कंपनी देंगी। तो चलो कर लेते हैं, रोकना नहीं है 10,000 स्टेप। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल के वीडियो में मैं कुछ स्पेशल बनाने वाला, यानी कल घर पे कुछ स्पेशल बनने वाला जो कि वीडियो में भी दिखेगा। तो देखिए कुछ सिचुएन पेपर कॉर्न, लाइट सोया सॉस, चिंग क्यांग विनेगर, ये है हुआ तुआ च्यू, और ये सब चीज़ें डाल के कुछ बनने वाला है कल, मैं बनाने वाला हूँ। उसके लिए आपको कल का ब्लॉग देखना पड़ेगा, तो आप कल का ब्लॉग देखिएगा, एक मज़ेदार रेसिपी आएगी उसमें। तो ये सब बनाने वाला हूँ, मैंने ग्रीन ऑनियन ऑनियन सब कुछ मंगा लिया है, तो बहुत कुछ बनने वाला है कल। तो मैं अभी आपको बाय बाय करूँगा, और मैं खाने में क्या खा रहा हूँ कल मैं बताऊँगा आपके ब्लॉग में। तो अभी आप किरण को देखिए वो क्या करती है, मैं मिलूँगा कल के ब्लॉग में। स्पेशल डिनर बना है, और ये देखिए पपीता के पकोड़े। और उस पपीता को पता है ना, मिस्टर विशाल ने जो घसे है, आपका ऐसे है। हाँ मैंने शूट किया है, बेचारा बैठ कर घसा है ऐसे ऐसे। सुबह मैंने ककड़ी घसी थी, फिर विशाल ने अभी पपीता घसा है। ये देखिए मम्मी गर्मा गर्म रोटी बना रही है, ये खीर बन गई है, इसे मैं अभी अरे 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 वही मैं वो देख रही थी, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। मीठा टेस्ट करने बोलती हूँ एक बार। हाँ मैं चम्मच लेकर आती हूँ, देख मेरे को तो देखना पड़ेगा कैसे बना है सब कुछ। मम्मी झाले तुझे चपाते,
चपाते झाला थोड़ा एक दोन राहिले अच्छा दो रोटी मम्मी और बना रही है फिर मम्मी भी हमको ज्वाइन करेगी मम्मी चम्मच हवा है चम्मच अच्छा ये खायला खे हो अच्छा इकडे है हां चार हां खीर खाने के लिए चम्मच नहीं मैं एक्चुअली मम्मी ने ये जो पकौड़ा बनाया ना वही खाने के बाद पेट भर गया है अब मुझे पता नहीं है कि मैं कितना खा पाऊंगी तो मैं पहले खीर स्वाद कर रही हूँ परफेक्ट है मेरे को मीठा नहीं चाहिए ऐसा ही है परफेक्ट अच्छा लग रहा है केसर वाली खीर बहुत अच्छी बनाई है केसर इलायची कहाँ गया चार नहीं आन लिया तो तैयारी चल रही है सोने की मैं थोड़ा सा अपना काम जो बचा कुचा है वो ख़त्म करूँगी पापा मम्मी सब लोग अपना अपना सो रहे हैं मम्मी पापा ने अपने आँखों में दवाइयाँ मेरे से डलवा ली है मैं वहाँ पर अम्मा की आँखों में दवाइयाँ डालती थी अभी यहाँ पर मम्मी और पापा के डालती हूँ और पिया और विशाल देख रहे हैं फ्रेंड्स तो रात के 10:30 बज रहे सब अपना अपना कर रहे हैं मैं भी अपना थोड़ा काम ख़त्म कर लूँ और अभी अभी अनिका से बात भी हुई थी तो छोला भटूरा इंजॉय कर रही है घर पर वो भी तो सब कुछ बढ़िया से चल रहा है चलिए फिर आज का ये था मेरा दिन आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो मिलती हूँ कल के वीडियो के साथ और कोई रिक्वेस्ट है तो भी बताइएगा बाय बाय टेक केयर